नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। महाराष्ट्र में रविवार का दिन बहुत ही बड़े राजनीतिक उलटफेर का दिन रहा और सुबह से ही एक उथल पुथल रही। एनसीपी के नेता अजित पवार ने दोपहर के 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शपथ के तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अजित पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बंसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3:00 बजते चीफ मिनिस्टर शिंदे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजित पवार और छगन भुजबल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद शरद पवार मीडिया के सामने आए। वो बोले कि ये घटना मेरे लिए नई नहीं है, मैं पार्टी को फिर कड़ा करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल पर भरोसा नहीं रहा है। मेरी नाराजगी किसी के पास नहीं, मगर प्रफुल्ल पटेल एंड तस्करे, ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं, इस पद पर रहने का उनका अधिकार नहीं है। ये बात उन्होंने खुद समझना चाहिए और खुद समझकर उन्होंने आगे कंटिन्यू करना या न करना ये तय करना चाहिए। तो शरद पवार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो ही पार्टी हैं, आगे देखेंगे कि कैसे होता है। ये भी वो कह रहे हैं कि वो पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। तो महाराष्ट्र में ये काफी बड़ा राजनीतिक उलटफेर एक हो रहा है, लेकिन अजित पवार ने भी इसके बाद बात की है और कहा है कि भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब से हमेशा एक लीडर का नेतृत्व ही रहा और देश आगे बढ़ता है। मुझे कोई एक लीडर ऐसा विपक्ष में नहीं दिखा जो देश का सोचकर काम कर रहा हो। हम सबको ऐसा लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आने वाले चुनाव हो, सभी एनसीपी के साथियों का हमारे पास ये आशीर्वाद है। सभी में मतलब सब आते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में एनसीपी के चिन्ह पर ही लड़ेंगे, ये अजित पवार कह रहे हैं। आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखा हो कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है, सभी एक में, सभी का आना, सभी में सब आते कि विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणूक लढवणार। तो महाराष्ट्र में अब एक मुख्यमंत्री हैं और 2 उपमुख्यमंत्री हैं, तो डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की हो रही है। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं इस पर, आइए सुनाते हैं आपको। अजित पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक एमपी और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजित दादा एक काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइड लाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। विपक्ष के सब विपक्ष, मैं अभी भी कहा, जो सब पूरे देश के लोगों को मोदी जी के खिलाफ एक इकट्ठा कर रहे थे, मैं कहा ना जो मोट बांधते मराठी में,
इकट्ठा करने की, उनकी वोट फूट गई है। साथ में काम हमारा उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को करोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। बस जिस अजित पवार जी ने निर्णय लिया है उसी तरह और भी राज्यों में इसी तरह के निर्णय एमएलए ले सकते हैं। बीजेपी ने उनको तोड़ा है, ऐसा कुछ बोलते हुए तो ठीक नहीं है। बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, मतलब हमारे जो चौधरी का नाम जयंत चौधरी जी है, जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, शायद वो भी थोड़ा सा अखिलेश पर समाजवादी पार्टी पर नाराज चल रहा है ऐसा लगता है। वो भी मतलब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट होने की संभावना हो सकती है। और इसके ऊपर विपक्ष के लोग अब क्या कह रहे हैं, जैसे कि शिवसेना उद्धव गुट जो है उसके प्रवक्ता संजय राउत का ये कहना है कि इससे ये साफ है कि जो अस्थिरता बनी हुई है सरकार पर, डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है इस सरकार पर, उसका डर है और इसलिए ये नया सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है। ऐसे कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूं। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फूट कर गए थे वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। और ये जो महाराष्ट्र में हुआ है इसके ऊपर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भी जगहों से आ रही हैं। अब यहां पे बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी इससे किस तरह से उत्साहित हैं नेता। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी सुनाते हैं आपको। देखिए, ये खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो और शिवसेना गठबंधन की सरकार थी, उसमें एनसीपी के दृष्टि से आज अजीत पवार जी अपने साथ बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर के आए हैं। उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। और 2024 का ये संदेश भी है कि 2024 जो हम लोग मानते थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अब मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक सांसद देने वाला राज्य है और वहां हम 48 की 48 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। तो बीजेपी उत्साह में है, लेकिन विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं सुनिए। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई है। पहले मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र बनाया, ये जनता देख रही है। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है। चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। तो सत्ता में किसी भी तरह से स्थान मिलना चाहिए, इसी के लिए ये हो रहा है। बहुत सारे विपक्ष के लोग ये भी मानते हैं कि चूंकि उनके ऊपर जो लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में या सत्ता में, उनके ऊपर तमाम तरह की तलवारें या मुसीबतें जो हैं वो लटक रही हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी में काफी उत्साह है। बीजेपी के बड़े नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सुनिए। पटना में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उस इकट्ठे होने के बाद महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट आ गया है। अभी तो बहुत से दल हैं
जो पटना की बैठक से दूरी बनाई थी उसमें देवगौड़ा जी नहीं आए थे, सुखबीर बादल जी नहीं आए थे, चंद्रबाबू नायडू नहीं आए थे, ऐसे बहुत से दल हैं, केसीआर भी नहीं आए थे। तो ये तो खानापूर्ति थी, लेकिन उसका विपक्षी एकता के नाम पर जो सौगंध ले रहे थे लोग, उनको आज सही संदेश चला गया होगा। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो विपक्षी एकता को भी इससे एक झटका है, ऐसा बीजेपी को का मानना है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुनील सिंह, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, महाराष्ट्र की राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं, जो हुआ बहुत सारे लोगों का ये कहना है सुनील कि इसमें बहुत बड़ी कोई हैरानी की बात नहीं है, ये होना ही था। बल्कि हमने संजय राउत को यह कहते भी सुना कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार जो शिंदे गुट पे लटक रही है वो इसका मतलब की है एक इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से यह नया समर्थन लिया गया है। पर अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति या केंद्र की राजनीति में क्या असर इसका दिखता है, एनसीपी का भविष्य क्या? देखिए नगमा, ये बात जरूर है कि तलवार लटक रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, लेकिन ये सवाल जब खुद शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मामला लंबित रहता और जो है कि तब तक चुनाव आ जाता, तो वो नहीं, वो बात नहीं है, उन्होंने ये कहा। इसमें उनका जो इशारा था वो साफ तौर पे था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों बयान दिया और राष्ट्रवादी को करप्ट पार्टी बताया और जिस तरह से आरोप लगाया, उसको लेकर जो कुछ नेता हैं वो चिंतित थे, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, और उसका ये परिणाम कहीं ना कहीं है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि जिनकर वो आरोप लगा रहे थे वही लोग पार्टी में बीजेपी के साथ जा रहे हैं सरकार में, तो एक तरह से जो आरोप है वो गलत है, एक तरह से एनसीपी को क्लीन चिट मिली है, ऐसा शरद पवार का कहना था। तो बहरहाल आज एक अप्रत्याशित हुआ, कोई कहे कि हाँ बिल्कुल ये होना था, लेकिन बहुत पहले जरूर कयास लगाया जा रहा था कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक एनसीपी के साथ रहूंगा। उसके बाद शरद पवार ने जो है कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कहा नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध में उन्होंने इस्तीफा अपना वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अशोक पटेल, प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने पार्टी का कार्यकारी एक तरह से अध्यक्ष बनाया। और इसके बाद अजीत पवार का एक बयान जब आया कि वो विधानसभा के विरोधी दल के नेता के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी है उसमें बहुत कुछ काम नहीं है, तो वो पार्टी का जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, उस पर अभी फैसला होना बाकी था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर कयास लगना चाहिए कि अभी भी अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। और उसका परिणाम हमने आज देखा कि वो अपने विधायकों के साथ, नेताओं के साथ चले गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन इसमें हैरान करने वाली जो बात ये थी, अजीत पवार के जाने की हैरानी नहीं है, हैरानी प्रफुल्ल पटेल को लेकर है कि वो साथ में थे, हैरानी छगन भुजबल को लेकर है कि वो भी जाकर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, छगन भुजबल की बात करें तो वो शरद पवार के कट्टर समर्थक हैं और अजीत पवार के एक तरह से कभी न कभी वो खिलाफत करते रहते हैं। जैसे अभी हाल का ही हम देखें कि अजीत पवार ने जब कहा कि पार्टी में वो जिम्मेदारी चाहते हैं, तब तुरंत छगन भुजबल का एक बयान आया कि पार्टी को ओबीसी के जो नेता हैं उसको मौका देना चाहिए, यानी उन्होंने उनके जो महत्वाकांक्षा थी पार्टी में पद पाने की, प्रदेश अध्यक्ष के पद की जो बात चल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं एक उन्होंने नई बहस दे दी थी, वो छगन भुजबल यहाँ पर साथ में देखे। प्रफुल्ल पटेल, जिनके बारे में खुद शरद पवार ने कहा कि वो बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जिनको कि पार्टी का उन्होंने महासचिव बनाया था, उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और यह पार्टी की जो नियम है, जो पार्टी का जो निमौली है, उसके खिलाफ जाकर काम किया है, तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो पार्टी के साथ रहें या फिर छोड़कर जाएं। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि शरद पवार इस पूरे मामले बगावत के साथ नहीं है। अब इसको बगावत कहा जा सकता है क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ये पार्टी का फैसला हो सकता है, जितनी बड़ी संख्या में विधायक गए हैं, लेकिन अब ये बगावत ही है एक तरह से एनसीपी में, लेकिन इसको कैसे संभाल पाएंगे अजीत सुनील, ये बगावत की वजह, सुनील इस बगावत के पीछे क्या कारण समझते हैं आप, क्या नाराजगी की वजह रही, एनसीपी के खेमे में किस तरह की पॉलिटिक्स है कि ये असंतोष दिखाई दिया है इतने बड़े तबके में? देखिए नगमा, कोई एक सिर्फ कारण नहीं हो सकता है, कारण देखिए बहुत है। सबसे जो प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ रहा है वो है ये ज्यादातर जो नेता हैं, जो मंत्री अभी बने हैं उस नौ, उसमें से अजीत पवार आप ले लीजिए,
छगन भुजबल ले लीजिए, हसन मुसीफ ले लीजिए, तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं ईडी के मामले हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां इनके खिलाफ जांच कर रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं उस बात का डर है। और शरद पवार इसी को बार बार स्पष्ट करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसके बाद हमारे जो इस तरह के जो नेता हैं जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई थी, और वो बेचैनी बढ़ने के बाद वो घबरा गए थे, तभी शायद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और बीजेपी ने उनको अपने साथ लेकर एक तरह से मुझे क्लीन चीट दी, यानी एनसीपी को क्लीन चीट दे दी है कि ये लोग करप्ट नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अजीत पवार को हम लें तो ये बात जरूर लग रही थी कि एक तो वो पहले से कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले और उनकी प्रतिद्वंदिता देखी जा रही थी, उस पर चर्चाएं भी होती थी, लेकिन बार बार एक ही परिवार है और ऐसा कुछ नहीं है, बार के टाल दिया जाता था। लेकिन जब से सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय पार्टी का, उसके बाद से कहीं ना कहीं वाकई में सर अजीत पवार को लगा कि अब वो पूरी तरह से उपेक्षित हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तब उनके साथ में कोई खड़ा था या जो कोई चाह रहा था, अजीत पवार ही वो थे जो कह रहे थे कि नई पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक भी नेता अजीत पवार के साथ खड़ा नहीं देखा, सभी शरद पवार पर दबाव डाल रहे थे कि अपना इस्तीफा वो वापस ले लें। तो इसमें कहीं ना कहीं अजीत पवार अलग थलग भी होते नजर आ रहे थे, तो ये भी एक कारण रहा है कि उन्होंने एक सरकार के साथ जाना उचित समझा, और उनका पहले से ही रहा है। साल 2019 में भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी अचानक से सुबह जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी उन्होंने कहा था कि विपक्षी जो नेता हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, एकता नहीं हो पाती है, अलग अलग बातें करते हैं, तो जबकि देश को जनता को जरूरत है विकास की और एक मजबूत सरकार की, तो मजबूत सरकार देने के लिए जनता का काम करने के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं, एक उन्होंने ये बात कही है। तो वो थोड़ा एक तरह से अजीत पवार एक विकास के साथ चलने वाले सरकार के साथ रहकर काम करने वाले नेताओं से भी गिरने में भी गिर जाते हैं, तो ये सब कुल फैक्टर है जिनको लेकर लग रहा है कि वो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती अब उनके सामने हो गई है। उन्होंने कह तो दिया कि पार्टी उनके साथ हैं, सभी विधायक उनके साथ हैं, लेकिन आंकड़े जब पूछे गए तो संख्या उन्होंने नहीं बताई कि कितने संख्या बल उनके साथ है। और अब जब शरद पवार खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे, और उन जो लोग अजीत पवार के साथ गए थे उन्हें से कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि हमें मीटिंग के तौर पर वहाँ बुलाया गया था, हमारे सिग्नेचर ले लिया वहाँ पर ले लिया गया, लेकिन हम आपके साथ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर से कहीं डर है कि अजीत पवार अपने साथ गया संख्या बल या अपनी सदस्य बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्या वाकई में 30 से ज़्यादा उनके पास हैं या नहीं है। ये सवाल बना हुआ है कि क्या वहाँ पर जो लोग मीटिंग के लिए गए उनका सिग्नेचर ले लिया गया, क्या अजीत पवार उस संख्या को बचा पाएंगे जिसका वो दावा कर रहे हैं। शरद पवार खुल के सामने हैं, कह रहे हैं कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। धन्यवाद आपका सुनील इस पूरी बात को समझाने के लिए। तो एनसीपी का भविष्य क्या होगा, कितने मजबूत हैं अजीत पवार, पार्टी क्या फिर से खड़ी हो पाएगी, ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। देश की बात में एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खाके पर कैसी होगी, किसका किसका मिल रहा है समर्थन। यूसीसी के मुद्दे पर कल संसद की समितियों की बैठक, कार्मिक लोक शिकायत विधि न्याय संबंधी समिति की बैठक होगी। समिति के सभापति सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और इस पर संसद की समितियों की बैठक होने वाली है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है। बैठक के लिए कई दलों के 31 सदस्यों को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा के 20, राज्यसभा के 11 सदस्य होंगे। बैठक में विधि आयोग, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, और समिति सभी सदस्यों का पक्ष सुनेगी, सबकी राय लेकर रिपोर्ट तैयार होगी, और उसके बाद फिर संसद में इसे पेश किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं ठीक ठीक पीछे हमारे दूसरे जो नया संसद भवन है उसके ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो 20 अगस्त से जो मानसून सत्र जो शुरू होगा इसी संसद भवन की नई बिल्डिंग में शुरू होगा, और इसकी तैयारी जो है पूरे जोर शोर से हो रही है। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समझा जाता है कि संसद का मानसून सत्र जो है इसी जो है नई जो संसद भवन की बिल्डिंग है इसी में शुरू होगा। यूसीसी को लेकर जो बैठक होने जा रही है यह बैठक काफी अहम है, इसके बाद ही जो सरकार जो समझा जाता है कि संसद में जो मौजूदा सत्र है उसको बिल लेकर आएगी। हालांकि जो 31 संसद सदस्य है इसमें जो बहुमत है वो बीजेपी के पास है,
तो जाहिर सी बात है कि हालांकि जो समिति के अध्यक्ष हैं सुशील कुमार मोदी, उनका ये कहना है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तमाम पक्षों को बुलाया गया है, यानी संसद सदस्य तो होंगे ही, लॉ कमीशन के मेंबर हैं उनको बुलाया गया है, जो आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो कानून मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया गया, तो सारे पक्षों की बात राय सुनी जाएगी, उनकी बात समझी जाएगी, उसके बाद जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन जो संसद का जो मौजूदा सत्र जो शुरू होने जा रहा है, दो वजह से उम्मीद ये जताई जा रही है कि हंगामेदार होगा। एक तो अगर सरकार जो है समान नागरिक संहिता का बिल लेकर आती है उस पर हंगामा होगा, दूसरा जो बड़ा मुद्दा होगा जो दिल्ली सरकार जो अध्यादेश के तबादले को लेकर जो अध्यादेश जो केंद्र सरकार को लेकर आई है उसको लेकर हंगामा होने का आसार है। तो कह सकते हैं कि संसद का मानसून सत्र भी एक हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। और आपको सुनाते हैं कि इसके पर अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, जैसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई खेमे से इसके ऊपर आपत्तियां भी आ रही हैं। सुनते हैं पीयूष गोयल को। लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए, उनको ध्यान में आ गया है कि समावेशी सभी लोगों को सम्मिलित करके जो समय एक समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून हो बनाया जाए, ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में UCC आना चाहिए। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है और मुझे लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते हैं, जो देशभक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बांटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगी। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समर्थन मिला है। मायावती ने कहा है कि अगर समान कानून, समान नागरिक कानून जो है वो लागू होता है तो इससे देश मजबूत होगा। BSP का ये कहना है कि यहां विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा, साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। NIA ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस चिट्ठी में तिहाड़ समेत उत्तर भारत की जेलों में बंद 10-12 गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग की गई है। इसके लिए किसी दूसरे राज्य से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा गैंगस्टर्स को असम की जेल में भी शिफ्ट किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सितलवाड़ को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और एक हफ्ते की ये रोक है तो तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में नहीं जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट को ये आदेश नहीं देना चाहिए था, हाई कोर्ट को इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
और ये फैसला शनिवार को कैसे दिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। साथ ही ये भी कि अगले 72 घंटे में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये सुनवाई की है। गुजरात हाईकोर्ट ने नियमित जमानत को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि तुरंत सरेंडर करें तीस्ता शीतलवाड़। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।